बच्चों, मैंने इससे पहले हिंदी का वर्क आपको सिलेबस बताया था कि हिंदी में हमने क्या क्या वर्क करवा दिया है, हिंदी नंदिनी और हिंदी व्याकरण में। ठीक है, आपको अलग अलग नोटबुक बनानी है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, हम सब्जेक्ट मैथ्स को लेंगे। अब मैथ्स में मैंने क्या क्या वर्क और किस दिन क्या वर्क करवाया था ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, 15 अप्रैल को जो हमारी स्टार्ट हुई थी क्लासेस, उस 15 को मैंने आपको करवाया था काउंटिंग 1 to 100। उसके बाद मैंने बैक काउंटिंग करवाई थी 100 to 1, और फिर उसके बाद मैंने काउंटिंग आपको 101 से 500 तक करने को दी थी, वो आपने कर ली होंगी। उसके बाद 16 को काउंटिंग 501 से 1000 तक मैंने आपको करने के लिए दी थी। उसके बाद नंबर नेम बताए थे, नंबर नेम आपके 1 to 50 तक। उसके बाद 17 को रोमन नंबर 1 to 50। उसके बाद 18 अप्रैल को टेबल बताई थी 2 से 10 तक। ओके, अब देखिए, 20 को मैंने आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन बताए थे आपको नंबर। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर सिखाए थे कि किस तरीके से करते हैं। 21 को मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने 21 को ही बुक स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको पेज नंबर 7 to 9 करवाए थे। 22 को मैंने रिपीट किया था ऑल वर्क, इसलिए कि सारे बच्चों ने कर लिया होगा। 23 को मैंने बुक में द नंबर लाइन बताई थी, पेज नंबर 10 और 11 फिल करवाया था, वो आपने कर लिया होगा। अब हम बताते हैं आपको ईबीएस में हमने क्या क्या वर्क करवाया है। ओके, अब देखिए, ईबीएस हमने 17 से स्टार्ट की थी, 17 अप्रैल से। उसमें फर्स्ट चैप्टर रीडिंग किया था। ठीक है, रीड किया था मैंने आपको, रीडिंग बताई थी। फिर उसमें मैंने आपको एक्टिविटी दी थी और हार्ड वर्ड करने के लिए दिए थे। एक्टिविटी मैंने आपको बना के बताई भी थी। उसके बाद 18 को फिल इन द ब्लैंक्स और राइट ट्रू फॉल्स चैप्टर 1 के मैंने आपको नोटबुक में करने के लिए दिए थे। उसके बाद 20 अप्रैल को चैप्टर 2 की मैंने रीडिंग आपको करवाई थी, समझाया था, एक्सप्लेन किया था। 21 को चैप्टर 2 का मैंने डू एक्टिविटी आपको दी थी, राइट हार्ड वर्ड, और मैंने आपको हार्ड वर्ड करवाए थे। 23 अप्रैल को मैंने बुक फिल करवाई थी, पेज नंबर 6, 7 और 10, 11, आप सबने कर लिया होगा। ओके,